पढ़े लिखे है नहीं, अगर वो पढ़े लिखे होते तो आज देश जनता जो है भूखमरी से नहीं मरती। ये देश तेरे बाप का ना है। मैं मोदी जी से कहूंगी आप राजनीति छोड़ के चाय बेचने लगी है, वो भी एक काम है चाय बेचने का। आप किसके लिए आए हैं? केजरीवाल के लिए। बंदी गई वो हिंदुस्तान का पैसा आखिर कहाँ गया? लापा हो के गिरफ्तारी, ये देश तेरे बाप का ना है। इंडिया से बाहर चले गए नौकरी के लिए, क्यों गए? क्योंकि यहाँ रोजगार है नहीं, सबके हाथों में कटोरा आ चुका है। मैंने तो वोट दिया देश की खातिर और तूने देश को बेच दिया। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। तो राम मंदिर नहीं चाहिए था? राम मंदिर अधूरा मंदिर बना के आगे से राम मंदिर जनता को भटकाने के लिए बनाया, अभी तो वो पूरा बनाया भी नहीं। क्यों? सन 2024 में आप जीतने के लिए इलेक्शन के लिए मोदी जी ने ये चाल चली है, राम मंदिर पूरा नहीं बना और वहाँ नहीं बना जहाँ उसको बनना चाहिए था, वहाँ से हटके बना। हुजूम क्यों आए हैं? हुजूम गठबंधन एक हुआ है, केजरीवाल को अंदर डाला गया है, लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ पूरा देश खतरे में है, यहाँ बच्चा बच्चा खतरे में है। आखिर ये सरकार मोदी जी किस तरह से चला रहे हैं हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो देश को बहुत अच्छी तरीके से चला पाते, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा वो देश को किस एंगल से कहां से। मोदी जी का फेलियर का काम कारण है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। जी बिल्कुल, पढ़े लिखे है नहीं, अगर वो पढ़े लिखे होते तो आज देश जनता जो है भूखमरी से नहीं मरती, रोजगार होता। और ये जो इन्होंने इतनी रोजगार खत्म करे वो नहीं खत्म होते, 10 लाख से ऊपर लोग यहाँ से इंडिया से बाहर चले गए नौकरी के लिए, क्यों गए? क्योंकि यहाँ रोजगार है नहीं, सबके हाथों में कटोरा आ चुका है। और कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां और लड़के पकौड़े तल रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा था कि भाई हाँ ये भी तो काम है कि पकौड़े तलने का, तो मैं मोदी जी से कहूंगी आप राजनीति छोड़ के चाय बेचने लगी है, वो भी एक काम है चाय बेचने का। आप यहाँ क्यों आए? पहले भी तो चाय बेचते थे तो नहीं था, अभी तो उनको नहीं था। किसके लिए आए? केजरीवाल के लिए। पार्टी के लिए कार्यकर्ता है? केजरीवाल को जेल में डाल रखा है केजरीवाल। जिसको जो काम आता है वो करे। मोदी जी बोलते हैं कि मैं तो चाय बेचता था, तो चाय बेचने अच्छा आ रहा है, 10 साल में तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने ना। जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम है, बिल्कुल स्कैम है। आप ये देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड ये सबसे बड़ा स्कैम है जो बीजेपी नहीं लाया है। 2017-18 में इन्होंने पीएमएलए लाया था और उसके थ्रू बीजेपी सरकार में घोटाला नहीं हुआ है? आप मुझे बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए कितना घोटाला बीजेपी सरकार में हुआ? जब नोटबंदी गई वो हिंदुस्तान का पैसा आखिर कहाँ गया? वो जनता की जेब का पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं वापस आया? जिस वादे से मोदी जी आए थे कि जनता का पैसा मैं वापस करूंगा, तो क्यों नहीं आया है? और सरकार इस तरह से चल रही है, यहाँ जनता से 15 लाख केजरीवाल को अंदर करा है और वहाँ भी जेल के अंदर कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं जेल के अंदर। किसी को 15 लाख मिला नहीं मिला? वो नहीं मिला, नहीं मिला। 15 लाख जुमला है और वो जुमले इनके काम है देश के सब चीज का बदले। सुनो कहा था 15 लाख वापस लाऊंगा मैं, मैंने तो वोट दिया देश की खातिर और तूने देश को बेच दिया। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा, ओ 15 तूने कहा था 15 लाख मैं सबको दिलाऊंगा मैं, वो 15 लाख आया नहीं, ऊपर से कर्जा लाद दिया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, वो जुमले वाले तूने कहा था अच्छे दिन लाऊंगा मैं, वो जुमले वाले तूने कहा था अच्छे दिन वापस लाऊंगा मैं, अच्छे दिन फिर भी कभी ना आए, ऊपर से कर डाला दे दिया। क्या हुआ स्मार्ट सिटी, क्या हुआ स्मार्ट सिटी? अपने मोदी तेरे राज में, मोदी जी तेरे राज में कटोरा आ गया जनता के हाथ में, ये दिन देखने को मिल गया।
छह दिन जनता फुटपाथ पे है, रोड पे है, कटोरा लेके भीख मांग रही है, पकौड़े तल रही है। हाँ, हम बिहार के धरती से आए हैं, बिहार से जहाँ राजनीति पैदा होती है, तो भोजपुरी में वो होली वाला गीत है, होली वाला जो गीत होता है, तो कहते हैं मैडम साथ दीजिएगा, ईडी सी डी से करे रंगदारी, ईडी सी डी से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का ना है, बाप का ना है, तेरे दादा का ना है, बाप का ना है, तेरे दादा का ना है, ईडी सी डी से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का ना है। स्टूडेंट पे लगे टैक्स भारी, स्टूडेंट पे कॉपी किताब पे पहली बार टैक्स लगा है, स्टूडेंट पे लगे टैक्स भारी, ये देश तेरे बाप का ना है। नौकरी मंगल स्टूडेंट भैया, नौकरी मांगे स्टूडेंट भैया, लाठी दे ले चारे पारी, ये देश तेरे बाप का ना है। मोदी जी राम मंदिर बनवाए ना? अरे कहाँ बनाया है? कोर्ट ने बनवाया भाई साहब, जो आप लोग चिल्ला जो रहे ना, ये मोदी समर्थक की जो मंदिर को मोदी ने बनाया है, वो तो अधूरा बना हुआ है, आगे से सिर्फ दरवाजा बना के और ये गोबर भक्तों को चमका दिया, लो जी राम मंदिर बना दिया। हाँ, ये करके क्योंकि चंदा मांगना था, अब उन्होंने खाली देश को खाली कर चुके हैं, उनके पास पैसा नहीं है, सारा अंबानी अडानी को लुटा दिया, दे दिया, देश बर्बाद हो चुका है और वो चंदा ले रहा है। चुनाव में ये पैसा जनता को लूटेंगे, ये गुमराह करने के लिए। चुनाव में असली लड़ाई किस चीज की है? असली लड़ाई किस चीज? लोकतंत्र की, चुनाव की लड़ाई है, देश बचाओ, गरीबी की, रोजगारी की, देश को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, और देश का पैसा सही जगह लग जाए। ये जो बर्बाद जो कहा उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से कि काला धन हम बाहर जो चला गया कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, तो आज तक मोदी जी का काला धन नहीं दिख रहा, बल्कि काले दिल दिख चुके हैं, उन लोगों के काला दिल है। केजरीवाल ने क्या नहीं करा दिल्ली के लिए, दिल्ली का राजा बेटा है वो, असली हीरो केजरीवाल, और उनको जेल में डाल दिया, क्या नहीं दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने बस फ्री दी है, लाइट फ्री दी है, और जनता को गेहूं अनाज चावल लॉकडाउन में बहुत कुछ करा है केजरीवाल ने, तो उनके मोदी जी केजरीवाल से इधर डर गए थे। आखिर वो दिल्ली जो है ना, हाँ जी, दिल्ली में मोदी जी से परेशान है, जनता परेशान है, आप भी परेशान हो, आप सबसे ज्यादा परेशान हो। नीति अच्छा चैनल है, निष्पक्ष खबरें दिखाता है, नहीं सच्ची खबरें दिखाते हैं, आपका चैनल बहुत सही है, लेकिन मिस्टेक हो गई थी आप दोनों पत्रकार में, और जो कि अब क्लियर हो चुका है कि आप गोदी मीडिया नहीं हो, आप जनता की आवाज हो, और जनता की आवाज हमारी आवाज बहुत ऊपर आप लोग ही पहुंचाते हो, लेकिन गोदी मीडिया उनकी गलती नहीं है, हमारे ही जमात के पत्रकारिता जगत के ही कुछ चैनल ने इतना बदनाम कर दिया दलाली करके सरकार का कि हम लोग को कहीं भी टारगेट किया जा सकता है। देखिए, सब लोग एक से नहीं होते, जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो देश के लिए, देश की हित के लिए, देश की जनता के लिए बात करेंगे, और जो कुछ नमूने फिर रहे हैं इधर उधर, गोदी मीडिया जो है टीवी पे कुछ और दिखाती है, राहुल जी को बदनाम करती है, केजरीवाल जी को बदनाम करती है, और वो उन्हीं की दलाली चल रही है, दाल रोटी रोजी रोटी, वो सिर्फ मोदी के गुणगान करके ही उनको रोजी रोटी मिल रही है, टीवी पे बैठ बैठ के सारी पार्टियों को वो रात दिन अनाप शनाप बकती है, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें करती है, और अब केजरीवाल जी को जो जेल में डाला है ईडी के मामले में, उनकी जांच हो चुकी है, केजरीवाल जी के ऊपर ऐसा कोई भी सबूत अभी तक साबित नहीं हुआ, फिर भी वो जेल में, आखिर ये सरकार क्या चाहती है, ये कैसी सरकार चल रही है, हमारी जनता की कोई समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी से अगर सत्ता नहीं संभल रही तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, इस तरीके का लोकतंत्र, इस्तीफा का जरूरत नहीं है, चुनाव आ गया है, क्या होने वाला है? देखिए, हम तो चेहरा अगला हम अपने राहुल जी का देखना चाहते हैं, वो देश के हक में जनता के लिए लड़ते हैं, वो हमारे लिए लड़ रहा है, वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस से अच्छी सरकार कोई नहीं चला सकता। ये जो कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, तो तुमसे तो 7 साल भी एक नोट नहीं चला के दिखा सके, कांग्रेस ने 70 साल चलाए और देश को आगे बढ़ाया, तुमने तो देश का पैसा सारा बाहर भेज दिया और लूट डाला, मोदी जी ने लूट डाला। बीजेपी तीसरी बार रिपीट कर रही है ना? देखिए, बीजेपी क्या रिपीट कर रही है, 400 सीट सिर्फ ईवीएम में है, उनकी जान ईवीएम में है, अगर ईवीएम हट जाए ना तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, जीरो भी ना मिले मोदी जी को।
कि लोग इतने दुखी हो चुके हैं, बहुत गुस्से में है मैडम जनता, ना रोजगार है और ना ही नौकरियां है और इतना परेशान हो चुकी है कि मोदी नहीं चाहिए। मोदी मोदी वो करता है जो 2 किलो 1 किलो अनाज के ऊपर पल रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, सिर्फ मोदी 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 वो चमचागिरी कर रहा है, बाकी मोदी को कोई नहीं वो करता है, जानता मोदी को मोदी।